राजधानी दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक हलचल बढ़ चुकी है। हाई प्रोफाइल बैठकों के बाद सुरक्षा बल अब एक्शन मोड में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी जम्मू पहुंच चुके हैं और अब घाटी में सुरक्षा बलों को एक जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी है। इस बात से पाकिस्तान की सेना बहुत ज्यादा घबरा गई है। आतंक के मुकम्मल इलाज के लिए जम्मू पहुंचे सीडीएस। गृह मंत्रालय ने रियासी हमले की जांच एनआईए को सौंपी। हंदवाड़ा से सुरक्षा बलों ने आतंकी को किया गिरफ्तार। मोदी सरकार कश्मीर के साथ जम्मू में भी जीरो टेरर प्लान का मूड बना चुकी है। गृह मंत्रालय एक्शन में आ चुका है। सेना अलर्ट मोड पर है। सीडीएस अनिल चौहान ने जम्मू का दौरा किया है। सीडीएस अनिल चौहान का ये दौरा ऐसे वक्त में रहा जब गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा स्थिति और तैयारियों पर हाई लेवल मीटिंग की थी और उसके अगले ही दिन सीडीएस अनिल चौहान जम्मू पहुंच गए। घाटी में सुरक्षा बलों ने चप्पे चप्पे पर नजर और पैनी कर दी है। हर तरफ तलाशी अभियान चल रहा है। ऐसे ही एक इनपुट पर सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया। जाकिर हामिद मीर नाम के इस आतंकी को पाकिस्तान में बैठे उसके अकाउंट से सॉफ्ट टारगेट करने का हुक्म दिया गया था। सॉफ्ट टारगेट यानी आसानी से किए जाने वाले हमले जिसमें ज्यादा से ज्यादा निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा सके। पकड़ा गया जाकिर हामिद मीर पाकिस्तान में बैठे अपने आका जहूर अहमद मीर के संपर्क में था और उसी के आदेश पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। कल हमें खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 RR के साथ पुलिस ने और बाकी SF के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। ऑपरेशन में हमने जब बंदे को आइडेंटिफाई हो गया कि बंदा कौन है उससे वेपन्स भी सीज किए। वेपन्स उसके एक चाइनीज पिस्टल, एक ग्रेनेड और एमटी ये दो मैगजीन पिस्टल के है। तो इसमें हमने FIR 124/2024 हंदवाड़ा पुलिस स्टेशन में लगा दी। याद कीजिए 9 जून की तारीख को मोदी सरकार दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी में थी। उसी दौरान ये खबर आई कि कटरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। इस हमले में 9 यात्रियों की मौत और 41 लोग घायल हो गए। इस हमले के लगभग 48 घंटे बाद 10 जून की शाम को जिला कठुआ में गोलियों की आवाज गूंजी जो 11 जून की दोपहर 2 आतंकियों के मारे जाने और 1 CRPF के जवान के शहादत के साथ बंद हुई। इसके तुरंत बाद डोडा में भी आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर 2 अलग अलग हमले किए जिसमें 8 सुरक्षा कर्मी घायल हुए। साफ है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही आतंकियों के आका बौखला चुके हैं इसलिए आतंकी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब आतंकियों की एक नहीं चलने वाली क्योंकि मोदी सरकार सत्ता संभाल चुकी है और इस सरकार को एक्शन लेने आता है। आतंकी कितने बौखला चुके हैं इसका ताजा उदाहरण है ISIS समर्थित पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान का एक ताजा आर्टिकल जिससे साफ होता है। वॉइस ऑफ खुरासान के आर्टिकल में छपा है हिंदुओं का कत्लेआम करो, चाकुओं से पेट काटो, मंदिरों को जलाओ, राम मंदिर PM मोदी पर निशाना। वॉइस ऑफ खुरासान मैगजीन के जरिए PM मोदी के खिलाफ जहर उगला गया है। उनको बताया गया है कि इस्लाम के खिलाफ भारत में वह एक हिंदूवादी राष्ट्र स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका पूरा असर है मुस्लिमों के हित का नुकसान होना। यही नहीं, गजनवी और कासिम जैसे लोगों की तारीफ की गई है इस मैगजीन में। कुल मिलाकर BJP और PM मोदी को निशाने पर लिया गया है इस जहरीली मैगजीन में। रिपोर्ट्स के मुताबिक पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान ने अपने कवर पेज पर दी गई हेडलाइन में लिखा, हे बहुदेव वादी भारतीय राजा महमूद गजनवी का फिर से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ।
भारत के मुशरिकों को कारों से मारो, चाकुओं से उनके पेट चीरो, इनके मंदिरों, घरों, कारों, संपत्तियों और फसलों में आग लगाओ, भीड़ भाड़ वाली जगहों को निशाना बनाओ। मुस्लिमों को भड़काने के लिए इस लेख में कहा गया है कि गैर मुस्लिम उनकी जमीनों पर कब्जा और महिलाओं का अपमान करते हुए शरिया कानूनों का मजाक उड़ा रहे हैं। आज के अधिकतर मुस्लिमों को इस दुनिया से मोहब्बत हो गई है, इसलिए वो जिहाद की राह में मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। जनवरी 2024 में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम फिल्मी, राजनीतिक, खेल और व्यापार जगत की हस्तियों के शामिल होने पर भी ISIS समर्थित इस पत्रिका में नाराजगी जताई गई है। लेख में राम मंदिर बाबरी केस में आए फैसले को भी गलत ठहराने की कोशिश की गई है। ISIS समर्थित इस पत्रिका में नुपुर शर्मा का भी जिक्र है। दोबारा नुपुर शर्मा के वाक्य का जिक्र कर इस पत्रिका के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है। यही नहीं, ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी बीजेपी महिला प्रत्याशी के खिलाफ भी इस पत्रिका ने जहर उगला है, ताकि लोग और ज्यादा से ज्यादा उसके खिलाफ भड़क जाएं। कट्टरपंथी सोच रखने वालों की बौखलाहट वॉइस ऑफ खुरासान में छपे लेख से पता चलती है। मैगजीन में हर वो कोशिश की गई है कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के प्रति उकसाया जाए। हिंदुओं की हत्या बम ब्लास्ट और दूसरे तरीकों से भी करने को कहा गया है। यही नहीं, कट्टरपंथियों में अपने इस लेख में बदला लेने की नीयत से किए जाने वाले हमले को नेक काम वाली कोशिश तक करार दिया है। इस तरह के लेख भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। बड़ी खबर आपको बता दें, देश में नीट की परीक्षा पर विवाद बढ़ता जा रहा है। नीट की परीक्षा पर सियासत भी गरमाई हुई है। जो एक तरफ देश भर के छात्र मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी है। नीट परीक्षा के मुद्दे पर आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें सांसद से लेकर विधायक और पार्षद शामिल होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 19 जून को पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तो बड़ी जानकारी, देश भर में नीट को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। वही नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई करेगी। तो आज बहुत बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें इस बात पर सुनवाई की जाएगी कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए या नहीं। उधर 8 जुलाई को नीट पेपर लीक मामले में बिहार EOU अपना पक्ष रखेगी। इसके लिए बकायदा 5 मई से लेकर अब तक हुई गिरफ्तारी, आरोपियों के बयान और बरामद दस्तावेजों के अलावा अभिभावकों के बयानों का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है, दूसरी तरफ EOU जो है वो जो रिपोर्ट बनाई गई है अब तक 5 तारीख के बाद से, अब उसको लेकर जो है अपना पक्ष रखेगी। एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आखिर पेरेंट्स का क्या कहना है, छात्रों का क्या कहना है और कितनी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। तो नीट के पेपर लीक मामले पर BRS नेता हरीश राव बीजेपी सरकार